सुनो बेटा, तेरे लिए कुछ लाइनें लिखी हैं मैंने। विशाल, हैरान हूँ कि मुंबई की इस भीड़ में, हैरान हूँ मुंबई की इस भीड़ में एक फरिश्ता उभर कर आया है, एक फरिश्ता उभर कर आया है। हजारों लाखों के दर्द और आंसू, हजारों लाखों के दर्द और आंसू पहुंच कर सबके दिल में समाया है। तू सबके दिल में समाया है। राम जैसा बड़प्पन और कृष्ण जैसा स्वरूप, राम जैसा बड़प्पन और कृष्ण जैसा स्वरूप, तेरे चेहरे पर नूर का एक समंदर उभर कर आया है। तेरे चेहरे पर नूर का एक समंदर उभर कर आया है। जियो सोनू बेटा, जियो सोनू बेटा, इस कलयुग में भी तुमने सतयुग को लौटाया है, इस कलयुग में भी तुमने सतयुग को लौटाया है। थैंक यू बेटा, बाय। ये जो कविता लिखने का ख्याल है, ये कैसे आया आपके मन में? एक बहुत पुराना गाना है, भजन कह लो, सुख के सब साथी दुख में न कोई, लेकिन सोनू सूद ने इस गाने को कहीं ना कहीं गलत साबित कर दिया है। वो जिस तरह से आजकल की इस महामारी के दौर में, इतनी परेशानियों के दौर में निकल के आया है, अपने घर से हर बंदे तक मिलने की कोशिश कर रहा है और हजारों इंसान को उनके घर तक उसने पहुंचाया है, हर तरह के इंतजाम करके। और सबको पता है, मीडिया में हर चीज आ रही है, कैसे कैसे उसने मेहनत की है उसकी। तो ये सब देख के मेरा भी कहीं ना कहीं दिल भर आता था कि आजकल कितनी परेशानियां चल रही हैं लोगों के साथ, और ये बंदा पूरी हेल्प कर रहा है सबकी। बस ये सब जो फीलिंग मेरे अंदर आई, उसको देख के मैंने चार लाइनें लिखी उसके लिए, बस।